गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ एस जे व्लॉग्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि मुझे कौन सी नई सुपर बाइक लेनी चाहिए। ये सवाल पूछने के बाद मैं गायब हो गया। मैं कोई नई सुपर बाइक लेने नहीं गया था, लेकिन मैं दो बड़े बड़े सरप्राइज की प्लानिंग कर रहा था, जिसमें से एक तो बहुत बड़ी राइड है जिसका सपना मैंने बहुत पहले देखा था, जिसका नाम मैंने रखा है द ग्रेट हिमालयन ओडिसी, जिसके बारे में मैं आगे वीडियो में बात करूँगा। लेकिन आज एक छोटी सी राइड होनी है और वो राइड हम करेंगे धर्मशाला से, जहाँ पर मैं अभी हूँ। तो फटाफट यहाँ से चलते हैं अपने गैराज में और देखते हैं कौन कौन सी बाइक्स है आज हमारे साथ और कौन कौन से राइडर्स हैं हमारे साथ। यहाँ पर हैं आदर्श भाई, लेकिन आज आदर्श भाई मेरी बाइक चला रहे हैं। आज आदर्श भाई चलाएंगे लजवंती और मैं चलाऊंगा आज जोरावर। और सिर्फ हम दोनों ही नहीं है यहाँ पर, हमारे साथ चेतक 2.0 भी है और चेतक 2.0 के जो राइडर है वो भी है। गो राइडर्स, धन्यवाद सर। और अब बात करते हैं कि हम राइड कहाँ की कर रहे हैं आज। आज राइड इसलिए, मतलब ये जो सारी बाइक्स निकली हुई है, सारी बाइक जाकर अपना थोड़ा थोड़ा पैम्परिंग करवाने वाली है। गो राइडर्स के शशांक भाई तो हमारे साथ बस ऐसे ही मजे मारने जा रहे हैं, क्योंकि इनकी बाइक अभी अभी पैम्पर होके आई है सीधा लद्दाख से और हमारा प्लान अब बन रहा है ग्रेट हिमालयन का। तो ग्रेट हिमालयन के लिए सबसे पहले हिमालयन को निकालते हैं। लज्जो भी तैयार है, इधर सब सारे लोग तैयार हैं और मैं आपको मिलता हूँ अपने बाइक पे। तो आज मैं हिमालयन इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि आज हम जा रहे हैं इसका टायर चेंज कराने के लिए। सिर्फ इसका ही नहीं, अपनी लजवंती को भी थोड़ा बहुत चेक कराएंगे, उस पर भी 1000 किलोमीटर के आसपास रह रहा है सर्विसिंग कराना। तो मैं सोच रहा हूँ कि द ग्रेट हिमालयन ओडिसी जो मैंने राइड सोचा है, उससे पहले एक छोटी सी राइड कोई करके आऊँ, उसके बाद फिर सर्विस भी करवा लें और फिर वो राइड भी स्टार्ट हो जाए। फिलहाल तो हम निकल रहे हैं, पहले निकलने दो तो फिलहाल तो हम निकल रहे हैं यहाँ से गग्गल की तरफ। गग्गल से नगरोटा आता है, नगरोटा आता है उधर जा रहे हैं टायर लगवाने के लिए। तो आज के इस राइड की शुरुआत हो रही, आज के इस राइड की शुरुआत करते हैं अपनी महादेव के नाम के साथ, भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव। मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि जो ये द ग्रेट हिमालयन ओडिसी जिसके बारे में मैंने सोचा है, वो राइड किस हिसाब से होगी, किस तरीके से होगी, कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ तक एंड होगी, आखिर क्यों इसका नाम द ग्रेट हिमालयन ओडिसी है। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे अपने घर धर्मशाला से और धर्मशाला से हम जाएंगे बैरागढ़, बैरागढ़ से हम क्रॉस करेंगे साच पास और पहुँच जाएंगे किलाड़, किलाड़ से जाएंगे तांडी, तांडी से हम चढ़ेंगे दारचा की तरफ और दारचा से हम चढ़ेंगे शिंकुला की तरफ। शिंकुला पास क्रॉस करने के बाद हम चले जाएंगे गोम्बू रंजन, गोम्बू रंजन से हम जाएंगे पदुम, पदुम से अब हम एक नया रास्ता लेंगे जो हमने अभी तक नहीं किया है, जिसका नाम है लिंक शेड, और लिंक शेड से हम जाएंगे लेह, लेह से फिर हम पहुँचेंगे वाया खारदुंगला, हम जाएंगे टूवर्ड्स सुमुर और सुमुर के बाद हम जाएंगे टुवर्ड्स सियाचिन बेस कैंप, सियाचिन बेस कैंप से हम जाएंगे विश्व का सबसे सुंदर झील देखने जिसका नाम है पैंगोंग लेक, और पैंगोंग से हम जाएंगे टुवर्ड्स हानले, हानले में हम देखेंगे विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित मोटरेबल रोड जिसका नाम है उमलिंगला पास, जो कि है 19,300 फीट पे, और फिर वहाँ से हम जाएंगे एक ऐसे गांव में जिसका नाम है कोयुल,
और कोयल की ख़ास बात यह है कि वो LAC के साथ साथ है। अभी हमने LOC राइड की थी, अब फिर हम LAC राइड करेंगे। यही नहीं, इसके बाद फिर हम उमलिंगला क्रॉस करके हम जाएंगे निदार वैली। निदार वैली एक नई वैली है जहाँ पर आपको एक दो लेक मिलेंगे, रियूल लेक, चिलिंगसो और भी बहुत सारे लेक्स मिलेंगे। और इन लेक्स को देखने के बाद हम जाएंगे सोमोरेरी। सोमोरेरी के बाद हम जाएंगे सरचू। सरचू से हम आएंगे वापस किलोंग, मतलब मनाली के पास, और यहाँ से हम जाएंगे कुंजुमला। कुंजुमला के बाद आप सोच रहे होंगे ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है इसका। कुंजुमला के बाद हम जाएंगे शायद चंद्रताल पहले आता है, तो चंद्रताल, उसके बाद कुंजुमला, उसके बाद काजा। काजा के बाद हम जलोड़ी पास क्रॉस करते हुए आ जाएंगे धर्मशाला। तो ये है हमारा द ग्रेट हिमालयन ओडिसी राइड, जिसको हम बहुत जल्द करने वाले हैं। तो ये हम आ गए रॉयल एनफील्ड के शोरूम में। पहले एक काम करते हैं, इस बाइक को वापस देते हैं इनके मालिक को, बोलेंगे थोड़ा सर्विस करा लो, तब तक मैं KTM लेके चलता हूँ अपनी बाइक। आप इसको दिखाओ, मैं इसको धुलवा लूँ। हाँ धुलवा लूँ, तब तक धुलवा लूँ। मिसिंग मार रही है बहुत ज्यादा। झटका। हाँ झटका, मिसिंग मार रही है वो। उनको पूछो, बोलो मिसिंग मार रही है बहुत। और मार भी रही है थर्ड गियर में, सेकंड थर्ड गियर में। कम एक्सेलरेशन दी है। तो आप कराओ फिर। अब हम अपने लज्जो को लेकर जा रहे हैं इसके सर्विस सेंटर, जो कि यहीं पास में ही है रॉयल एनफील्ड के साथ ही। तो अभी यार मैंने ऐसा किया कि KTM वालों को अपनी बाइक दे दी है, कि बाइक में थोड़ा सा क्या है इशू है, मिसिंग मारता वो बार बार, मतलब पावर लॉस अचानक से हो जाता है सेकंड से थर्ड गियर जाते जाते। तो अभी मैंने बाइक यहाँ पे रख दी है और अभी हम जा रहे हैं इसका टायर चेंज कराने के लिए। तो यहाँ पर यार हम आ गए हैं सीएट के शॉपी में बाइक का टायर चेंज कराने के लिए। इधर पीछे अपने बाइक का टायर चेंज हो रहा है, और इस बारी जो मैं अपने रॉयल एनफील्ड हिमालयन में टायर लगवा रहा हूँ वो है सीएट ग्रिप एक्सेल सीरीज। ग्रिप एक्सेल सीरीज के सारे टायर्स इस हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं जिसे वेट और ड्राई टेरेन्स में बाइक को रोड के साथ ग्रिप काफ़ी अच्छी मिले। इन टायर्स को एंगुलर ब्लॉक पैटर्न डिज़ाइन के साथ बनाया जाता है ताकि राइड के दौरान ट्रैक्शन कंट्रोल काफ़ी अच्छा रहे, क्योंकि ये ब्लॉक किसी भी सरफेस को पकड़ के रखते हैं। ब्लॉक्स पैटर्न को इस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है ताकि जब रोड पर पानी रहे तो टायर्स पानी को ईजिली इवैक्यूएट कर दे, जिससे बाइक स्लिप ना हो और राइडर राइड करते हुए सेफ महसूस करे। इसके साथ साथ ग्रिप एक्सेल सीरीज के टायर्स के साइड वॉल को काफ़ी स्टिफ बनाया जाता है ताकि बाइक की लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। यही फीचर टायर को इजीली पंचर होने से भी बचाता है, और ग्रिप एक्सेल सीरीज के सारे नए टायर्स हैज मच मोर लाइफ एंड आर वेरी मच सेफ फॉर बाइक एंड बाइकर्स। साथ ही साथ रिसेंटली सीएट ने हिमालयन के जो रियर टायर्स है उसको और ज्यादा इंप्रूव किया है, और उन्हें नए ग्रिप के साथ एडिशनल लाइफ भी मिल जाती है। सो नाउ आई कैन डू मोर ट्रिप्स ऑन द न्यू टायर्स। तो यार यहां पे अपना टायर का काम हो गया और अब हम यहां से निकलते हैं। चलो ओके भैया, थैंक यू। तो अभी मुझे मौका मिला है XBHP के साथ सीएट एक्सप्लोरर राइड करने का, जिसमें मुझे सीएट टायर्स के साथ एक राइड में एक्सप्लोर करना है। तो मैं और आदर्श भाई प्लान कर रहे हैं कि, क्योंकि यार आदर्श भाई के साथ भी जो राइड हुई थी अपनी लास्ट जलोड़ी पास वाली, उसको भी बहुत टाइम हो गया है। बहुत टाइम से ये भी राइड पर नहीं गए हैं, और बहुत टाइम से मेरा भी मन है कि हम दोनों भाई साथ में राइड करने जाएं। तो अभी हमारा प्लान बन रहा है एक छोटी सी राइड करने का साथ में, जिसमें हम सबसे पहले बीर जाएंगे और हो सकता है वहां पे पैराग्लाइडिंग करेंगे। उसके बाद हम बरोड़ जाएंगे, बरोड़ से राजगुंदा जाएंगे, और इसके बाद शायद पराशर लेक देखते हुए हम वापस आ जाएंगे। तो ये 4-5 दिनों की राइड होगी, और उसके बाद हम प्लान करेंगे फॉर द ग्रेट हिमालयन ओडिसी राइड। तो अभी फ़िलहाल इसका टायर का काम हो गया है,
अब फटाफट जाके इसका सर्विस का काम देख लेते हैं, क्योंकि उस टाइम जब मैंने भैया को बोला कि आप सर्विस करा लो, उस टाइम बहुत सारे लोग थे, तो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो रेगुलर चेकअप है वही कराना है, वो सारी चीज़ें करवा के और मैं भी अपने KTM को देख लेता हूँ कि लज्जो का क्या हाल है। तो भैया फाइनली हमने अपनी बाइक वापस ले लिया है और बाइक में जो इशू है मेरे, मतलब वो जो अचानक से बाइक झटका मारता है, मतलब अचानक से ऐसा लगता है जैसे पेट्रोल का पावर, मतलब पावर ही ख़त्म हो गया और फिर मिनी सेकंड्स में पावर वापस आ जाता है, इसको पावर लॉस बोलते हैं। मैं आपको समझाने के लिए अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था देसी लैंग्वेज में, और इसको ये लोग नहीं मतलब ठीक कर पाए, ये कह रहे कि पहले फ्यूल पंप खोल के देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और हमें राइड पे निकलना है अभी। हालांकि हमें हिमालयन राइड पे, द ग्रेट हिमालयन ओडिसी राइड पे भी निकलना है, तो अभी फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं लेके जाता हूँ और ये 1000 किलोमीटर के आसपास की राइड होगी, 1000 या 800 किलोमीटर, एक बार ही राइड कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स है इसका। और मेरा एक और भी मन था कि मैं अपने बाइक को थोड़ा सा रैप करवाऊँ और जो अपना पैनियर्स है उसको भी रैप करवाऊँ, तो देखते हैं भाई, हो सकता है मैं ये राइड करने के बाद एक चक्कर दिल्ली का लगाऊंगा, क्योंकि दिल्ली में ही रैपिंग वगैरह अच्छे से अवेलेबल है, वहाँ पे नॉन भी है। एक दिक्कत हो गई भाई, मैं भी गया था करवाने और उन्होंने ये पूरा खोल वोल दिया था, जिसके चक्कर में वापस से जब उन्होंने पैक किया तो फिर से हॉर्न की प्रॉब्लम आ गई, हॉर्न मेरा नहीं बज रहा है। अब हो सकता है मैं कल जब निकलूंगा राइड पे तो एक चक्कर उनसे मिल के उनसे पूछ लूंगा कि भैया क्या कर दिया ये आपने। फिलहाल शशांक भाई चले गए हैं, शशांक भाई वापस चले गए हैं ड्रीम वुड्स, क्योंकि उन्हें निकलना था, और मैं और आदर्श भाई जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। ये देखो यार, ये टी गार्डन है और जो औरतें हैं वो टी प्लांट की कटिंग कर रही है, टी लीव्स की। ये पूरा धर्मशाला का टी गार्डन है इधर, इसको बोलते हैं मान टी स्टेट। ये ऊपर है टी फैक्ट्री और ये नीचे पूरा टी गार्डन। ये नीचे बहुत बड़ा टी गार्डन है, हालांकि इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा मुन्नार या दार्जिलिंग में है, लेकिन है काफ़ी बड़ा है। ये देखो बगल बगल टी गार्डन है और बड़ा प्यारा लगता है, अभी मानसून टाइम है तो और सुंदर, एकदम हरे भरे। ये भी धर्मशाला का टी गार्डन है, जब भी आप एज अ टूरिस्ट आते हो तो मेनली यहीं पर लोग आते हैं, या फिर जो टैक्सी वैक्सी होते हैं वो यहीं पर लेकर लोगों को आते हैं, क्योंकि यहाँ पर अंदर एंट्री अलाउड है और आप फोटोज़ वगैरह रील वगैरह आराम से बना सकते हो। यहाँ पे हिमालयन ब्रिवरी भी है, यहाँ से सुंदर बड़ा है यार ये पूरा टी गार्डन। आज हम अपने लंच में खा रहे हैं साउथ इंडियन डिशेस, ये है अपना सांभर वड़ा, मसाला डोसा और इधर है इडली। अब इसको फटाफट निपटाते हैं फिर उसके बाद यहाँ से चलेंगे घर। तो ये मैं खा रहा था अभी साउथ इंडियन फूड गोलू रेस्टोरेंट में, गोलू मेरा भी नाम है पर मेरा रेस्टोरेंट नहीं है ये, ये गोलू रेस्टोरेंट है धर्मशाला में और दाढ़ी के पास है, और बड़ा अच्छा मतलब बनाते हैं ये लोग, टेस्टी सा, तो इसीलिए आज मन हुआ कि चलो यार कुछ अलग सा खाते हैं। और अभी फ़िलहाल हो गई है शाम और कल निकलना है राइड पे, कल हम निकलेंगे। पहले मैंने सोचा था कि एक दिन जाऊंगा बीर में स्टे करूंगा और पैराग्लाइडिंग कर लूंगा, पर अभी पैराग्लाइडिंग का सीन इतना है नहीं क्योंकि मानसून का टाइम है, बारिश हो रहा है, इसीलिए पैराग्लाइडिंग मैंने सोचा स्किप करते हैं और बीर को भी स्किप करते हैं। इंस्टेड ऑफ एक काम करेंगे, कल बीर में जाके कुछ कैफ़े में कुछ एक्सप्लोर कर लेंगे और कुछ खाना वाना खा लेंगे और उसके बाद वहाँ से चले जाएंगे बरोट। अब देखो प्लान तो मेरा ऐसा है कि बरोट में जाके कैंप लगाऊं मैं अपना,
कल के मौसम पे डिपेंड करेगा कि क्या करना है, कैंप लगाना है या फिर सीधा सीधा वहाँ पे होटल में स्टे करना है। तो अब हम फाइनली जा रहे हैं भाई अपने घर, काम वाम सारा करवा के कल निकलेंगे राइड पे। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर हमें पहली बार देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। मिलते हैं गाइस बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट राइड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।